नमस्ते एवरीवन, नमस्ते आप सबको मेरी ओर से। आज मैं बताऊंगी आपको अपनी दो तीन दिन की दिनचर्या कैसी रही मेरी, क्योंकि आजकल कथाएं या कहानियां नहीं है मेरे पास सुनाने को, और ना ही कोई ऐसी बात है जो मैं बताऊं रिपीट करूं कि कैमरा वॉइस, ये बातें रिपीट करके कोई फ़ायदा नहीं है। वो मैंने एक बार बता दिया है, आप मेरी समस्या समझ चुके होंगे, तो अब मेरी वीडियोस में कमी नहीं निकालोगे। मुझे लगता है, वैसे फील होता है कि आप लोग कमी निकालते होंगे कि ये दीदी कैसे वीडियो बनाती हैं, इनको आइडिया नहीं है वीडियो कैमरा कैसे पकड़ना है, या कोई सॉफ्टवेयर ऐसा या कोई ऐप ऐसी डाउनलोड करके अपना वीडियो ठीक कर सकती हैं। पर ऐसा नहीं है, मैंने सारी चीज़ें ट्राई कर ली हैं, और सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे हाथ कुछ नहीं लगा सिर्फ एक कैमरा के अलावा, फ़ोन के कैमरा के अलावा, वॉइस रिकॉर्ड करने के अलावा। तो अभी दो तीन पहले मैं शादी से होके आई, ठीक ठाक थी, घर पे बाहर नहीं निकल रही, तो सर्दी जुकाम कुछ नहीं था। और अब दो तीन दिन पहले अभी मैं शादी में गई रात को, और वहाँ थोड़ी देर, एक घंटे मुश्किल से, एक दो घंटे रुके होंगे, उतने में ही ठंड लग गई, सर्दी लग गई। देखो कितना सेंसिटिव होता है ना इंसान जो घर से बाहर नहीं निकलते, जो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। और इतनी जबकि हम आए रात को 11-12 बजे ही आए थे, बहुत ठंड भी इतनी नहीं थी वैसे बाहर, पर शादी में गढ़वाली शादी थी, ढोल दमाऊँ बज रहे थे, तो माहौल गर्म तो था, पर फिर भी सर्दी लग गई। और अब आज कल मैं गले के यहाँ दर्द से और नाक बह रही है, दोनों से परेशान हूँ, रात को सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये प्रॉब्लम आ गई मुझे शादी में जाने के बाद। मतलब आजकल बाहर निकलना, मैं सोच रही थी धूप आ रही है तो अब मौसम ठीक हो गया होगा, बट ऐसा नहीं है। थोड़ा सा भी बाहर निकलोगे, जो घर से बाहर नहीं निकलते, तो उनके लिए तो सर्दी जुकाम तैयार है, संक्रामक बीमारियां जो 5 मिनट में फैल जाती हैं आपसे किसी और में, किसी और से आप में। तो सतर्क रहिए आजकल आप लोग बाहर स्वेटर के बिना, मैं मौसम बदल रहा है तो ये मत सोचिए कि अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं इतनी जल्दी तो हम बाहर निकल सकते हैं आराम से, ऐसा नहीं है। मेरी तो हालत ख़राब हो गई 2 दिन में ही। और अभी कल बसंत पंचमी का त्यौहार भी था, ये जो फसलों के लिए होता है, मौसम चेंजिंग के लिए दूसरी ऋतु आती है, तो वो भी मनाया हमने। और वो हमने अपने गढ़वाली रीति रिवाज से मनाया, वो होती है ना जौ की घास, उसको हम दरवाजे पे टांगते हैं, उसकी फ़ोटोज़ मैंने अपने फेसबुक प्रोफाइल पे भी डाली हुई है। अगर मुझे एडिट करना आ गया, मतलब इसमें बीच में से एडिट करके कोशिश करूँगी मैं करने की, अगर आ गया मुझे तो मैं उसको इस वीडियो में भी एडिट करके आपको दिखा दूँगी कहाँ कहाँ पर लगाइए। अपना घर है तो अच्छा लगता है, आप सारे रीति रिवाज, जबकि मेरा अपना घर जो मेन है जो उत्तराखंड में है ना, तो उत्तराखंड में तो हम मनाते ही मनाते हैं ये सारे त्यौहार, बसंत पंचमी, एकाद, वो हमारे इसको कहते हैं इगास और बगवाल, ये सारे त्यौहार मनाते हैं नवंबर में जो आते हैं, तो उनमें ना गाय बच्चियों को खाना दिया जाता है, चावल के लड्डू दिए जाते हैं बना के, तो वो सब तो मनाते ही मनाते हैं। हमें इससे बसंत पंचमी मना दिया, जन्माष्टमी मना दी, ये सारे त्यौहार मनाते हैं, लेकिन अपने हिसाब से मनाते हैं, हमारे वहाँ का तरीका अलग होता है। बाहर शहरों में, यूपी में जाओ, बिहार में जाओ, या दिल्ली में कहीं, हरियाणा, या हरियाणा में तो पता नहीं, पर यहाँ कहीं तो इनका त्यौहार तरीका अलग अलग होता है हर जगह मनाने का। तो हमारे यहाँ जो है, मैं वो आपको दिखाती रहती हूँ कैसे मनाते हैं हम। मेरे पास वीडियो भी पड़ी होगी तो मैंने यूट्यूब पर डाल ली नहीं थी, कि मैंने सोचा ऐसी वीडियो, जैसे पूजा घर की वीडियो है, तो पूजा घर की वीडियो ऐसे पब्लिक करना अच्छा नहीं लगा मुझे, मैं अपने हिसाब से कह रही हूँ। वैसे लोग तो बहुत अपना घर सारा दिखाते ही हैं, अपने घर की सारी चीज़ें दिखाते हैं, मुझे अजीब सा लगा, मैंने कहा पूजा घर को क्या दिखाना, पूजा घर सबका अपना पर्सनल होता है तो उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं आपको जो हमने दरवाज़ों पे ऊपर जो होता है ना मेन, हमारे यहाँ मोरी कहते हैं उसको, तो वो वहाँ पे जो घास चिपकाते हैं ना, जौ की घास होती है, उसको गोबर से कोने पे चिपकाते हैं, तो वो वो पूजा की थी कल हमने, और उससे मोरी का जो नारायण कहते हैं वो खुश हो, मतलब उनकी पूजा होती है, वो उनके लिए होता है क्योंकि नारायण का वास होता है वहाँ पे, तो वो भी दिखाऊंगी आपको अपनी वीडियो में। कल बसंत पंचमी का त्यौहार बहुत अच्छा लगा, फीलिंग आई जैसे मैं गांव में हूँ, सरसों के खेतों में पीली पीली सरसों जमी हुई है, लगी हुई है, तो बहुत अच्छा लगा कल मेरे को, मतलब फीलिंग्स ही आ रही थी अच्छी वाली,
ऐसा होता है हर बार त्यौहार के दिन, अगर आप चाहे कहीं दूर भी हो, कहीं दूर शहर में हो, कहीं दूर विदेश में हो, लेकिन आपको अपने गांव की मिट्टी की खुशबू आती है, और सच में खुशबू ही आती है वो, ऐसे महक सी आती है कि आपको पूरी पुराने दिनों में ले जाती है कि अरे वाह, हम तो वहाँ पे ऐसे मनाते थे, ऐसे करते थे। मैं हूँ ज़्यादा दूर नहीं हूँ, उत्तराखंड से दिल्ली कुछ खास दूर नहीं है, बट मेरे को मीलों का सफ़र लगता है कि पता नहीं मैं वहाँ, क्योंकि वहाँ के माहौल में और यहाँ के माहौल में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। वहाँ पे शांति है और लोगों में प्यार है, और लोग अगर लड़ते भी हैं तो दूसरे दिन आज लड़ गए कि तूने ये गलती कर दी, तो अगर पहले वैसे मारपीट होती नहीं है, पर अगर बहुत ज़्यादा हो गया ओवरलोड उनका टेंशन, तो तब मारपीट होती भी है। पर वही दूसरे या तीसरे दिन या एक हफ्ते बाद वो फिर दोबारा मिल जाते हैं, और मिलते भी ऐसे हैं कि एक दूसरे की गलती मानकर उसको सुधार कर देते हैं, ऐसा होता है। वरना तो वहाँ जेलें तो हर जगह बनी हुई होती है, कोई अगर नहीं सुधरता है तो फिर भरो जेलें। तो मतलब मैं, खैर मैं हैक की बात कर रही थी कि वहाँ शांति है, प्रकृति है, और गाय बच्चों के साथ रहो तो पूरे फिल्मी सीन लगता है मुझे, बहुत प्यारा लगता है अपना गाँव। वहाँ से मेरा आने की, जब मैं यहाँ दिल्ली आई भी थी तो मैं रोते हुए आई थी गांव से, और मैं कम से कम मेरे घर से, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, मेरे घर से बाज़ार की दूरी आधा घंटे की है, तो वो 15-16 किलोमीटर की होगी या 24 किलोमीटर ऐसा कुछ है। तो वहाँ तक मैं रोते रोते हुए आई थी, मैंने अपनी रोना बंद नहीं किया था जब मैं दिल्ली आई थी 2008 में, तो इतना रोई थी मैं मेरा रोना बंद ही नहीं हुआ था, मतलब इतने आंसू भरे पड़े थे मेरे। मैं हर बार, वैसे भी गाड़ी में वो अपने दोस्त मिले, मतलब वहीं के एरिया के लोग थे और अपने साथ जो बैठे हुए थे, वैसे हम अपनी गाड़ी में आए थे, तो कुछ हमारे साथ गांव के लोग भी थे जो तो शहर में रहते थे, तो उन्होंने गाड़ी बुकिंग करवाई थी। तो मतलब मेरे को ना इतना रोना आया, पापा के साथ आई थी मैं, मम्मी गांव पे ही थी, मुझे मन नहीं कर रहा था आने का, मैंने कहा पापा मैं नहीं जा रही, मैं गांव में ही पढ़ लूँगी, पर पापा ने कहा नहीं बेटा वहीं पढ़ना है, यहाँ पे कोई रहता नहीं है, अब तुम बड़े बच्चे हो गए हो, आने जाने में दिक्कत होगी तुम्हें, क्योंकि शहर में तो हम हैं, हम तुम्हें बताएंगे कहाँ पढ़ना है, कौन से कॉलेज में पढ़ना है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कहाँ से अच्छी पढ़ाई होगी। तो पापा के कहने पर आना पड़ा, बट मुझे याद है मैं बहुत रोई थी उस टाइम। तो ऐसे जब आप अपनी संस्कृति से जुड़े हुए होते हो, अपनी मिट्टी से जुड़े हुए होते हैं, तो आप छोड़ नहीं सकते उसको। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैं यहाँ शहर में हूँ, कुछ खास दूर नहीं है, एक दिन का 12 घंटे का रास्ता है, बट मुझे वो अपने दिल में रहती है, महक अपने दिल में दबी रहती है कि हाँ मैं वहाँ से हूँ, और मैं ऐसी प्रकृति की हूँ, ऐसा मेरा नेचर है, और मैं ऐसी बातें झेल नहीं सकती जो लोग मुझसे बोलेंगे कि करो बेटा ये भी शहर में रह के करना पड़ेगा। बहुत डिफरेंस होता है शहर और गाँव में। और भी बातें बताऊंगी अगली वीडियो में, इसका स्पेस खत्म हो जाएगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।